अंकलेश्वर पनोली तेमज झगड़िया जीआईडीसी ना स्थानिक उद्योगों माथी निकलतो गन हेजार्डस कचरा ने वैज्ञानिक ढबे निकाल करती भरूच एनवायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंकलेश्वर ना उपक्रमे आज रोज आगामी लैंडफील प्रोजेक्ट नी पर्यावरणीय लोक सुनावणी संदर्भे पत्रकार परिषद योजाई हती। भरूच एनवायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंकलेश्वर कंपनी ना डायरेक्टर अशोक पंजवाणी, सीईओ बीडी दलवाणी, वाइस प्रेसिडेंट मनोज पटेल, सीएसआर एक्जीक्यूटिव नरेंद्र भट्ट सहित अधिकारीओए पत्रकारों ने सूचित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट प्रोजेक्ट अंगे विस्तृत माहिती आपी हती। तेमज बेल कंपनी द्वारा आसपासना 10 वधु गामों में अत्यार सुधी थयेल सामाजिक उत्कर्षनी प्रवृत्तिओनो चितार रजू करवामां आव्यो हतो। उल्लेखनीय छे कि वर्ष 1997 में अंकलेश्वर पानोली सहित झगड़िया जीआईडीसी ना उद्योगों साथे हेजार्ड्स घन कचराना निकाल माटेनो यक्ष प्रश्न हतो। तेवा समये बेल कंपनीनी स्थापना करवामां आवी हती। आ देशनी सौप्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइड हती। त्यारबाद तबक्कावार 3 फेजनी लैंडफील साइडनुं विस्तरण थयुं। आगामी 8 जुलाईना रोज बेल कंपनीनी अलायदी नवी लैंडफील साइट माटे पर्यावरणीय लोक सुनावणी राखवामां आवी छे। सूचित प्रोजेक्ट पाछळ અંદાજિત 120 કરોડનો ખર્ચ થશે, જેના થકી આગામી 10 વર્ષ સુધી અંકલેશ્વર પાનોલી તેમજ ઝગડિયા જીઆઈડીસીના ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતા ઘન કચરાનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ શક્ય બનશે। કંપની સત્તાધીશોએ જણાવ્યું હતું કે જીતાલી ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવેલ ખાનગી માલિકીની 55 એકર જમીન ખરીદવામાં આવી છે। તેની એનએ સહિતની તમામ વહીવટી પ્રક્રિયા સંપન્ન કરવામાં આવી છે। આ પ્રોજેક્ટને પગલે સ્થાનિક રોજગાર વાંચકોને ઘર આંગણે રોજગારી મળશે, તેમજ આ પ્રોજેક્ટ થકી તબક્કાવાર 20 મેગાવોટ જેટલી વીજ ઉત્પાદન પણ શક્ય બનશે, તેમજ 40% ગ્રીન બેલ્ટનું નિર્માણ થશે। મેઇન પર્પઝ છે કે અમારી જો એક્ઝિસ્ટિંગ લેન્ડફિલ સાઇટ હે ઉસકો એક્સપાન્ડ કરને કે લિયે હમને જીતાલી વિલેજ મેં जो हमारे साइट के पीछे ही आती है 50 एकड़ की लैंड ली है हमने और वहाँ हम नई लैंडफिल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी पब्लिक हियरिंग 8 जुलाई को है। और इसके लिए हमने आप प्रेस को ब्रीफ किया है और उनके जो भी सवाल थे उनको हमने टेक्निकल और बाकी चीज़ें समझाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रेस के फ्रेंड्स इसका मैसेज न्यूज़पेपर मीडिया की तरफ जनरल पब्लिक में कन्वे करेंगे। और हमें कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है अपने आजू बाजू गाँव वालों से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, मीडिया से। इसके लिए हम अब सबके आभारी हैं।